हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। तो इसमें हमने इससे पहले 12.1 और इंट्रोडक्शन करा था। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप हमारी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं हम इसके। पहला क्वेश्चन कहा है कि हमें पॉइंट्स के पेयर दे रखे हैं, हमें क्या बताना है उनका डिस्टेंस। तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें बस इसको अप्लाई करना है। पहला पॉइंट क्या है, 2, 3, 5 and 4, 3, 1 तो इनके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x2 क्या है, 4, x1 क्या है, 2, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 - 2 क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0 और 1 - 5 -4, तो -4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 + 0 + 16, ये कितना आ जाएगा, √20। √20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√5। कोई साइन नहीं है ना यहाँ पे, सेंटीमीटर मीटर, तो हम इसको लगा देंगे यूनिट, सिंपल, सही है ना। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट किया हमने। अब करते हैं सेकेंड। सेकेंड भी इसी तरह से होगा, -3, 7, 2 और 2, 4, -1, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, x2 - x1, 2 - -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा √43 यूनिट्स। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, थर्ड पार्ट कहता है -1, 3 और -4 and 1, -3 और 4 के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम यहाँ पे, यह आएगा -1 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - -4 का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इन सब के स्क्वायर को जब हम प्लस करेंगे तो √104 आएगा, और √104 को हम 2√26 भी लिख सकते हैं, है ना। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट है 2 - 1, 3 and -2, 1, 3। अब क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स को आप 2√5 यूनिट्स भी लिख सकते। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और कहा इनके कोलिनियर बताओ।
कोलिनियर कोई पॉइंट कब होते हैं? कोलिनियर कोई पॉइंट्स तब होते हैं जब, जैसे सपोज ये पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये कोलिनियर तब होंगे जब किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम किसी तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो। क्या कोई भी दो डिस्टेंसेस जो हैं, सपोज ए बी और बी सी का जो सम है ना, वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कोलिनियर है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए बी का सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -2, 3, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 1, 2, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 7, 0, -1। सही है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से इन सबका डिस्टेंस निकालते हैं। तो जब हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 1 -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस हमें पता है प्लस हो जाता है, तो 2 -3 का स्क्वायर और 3 -5 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, √14। इसी तरह से बी सी का निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा हमारा कितना, देखते हैं क्या आएगा, 7 -1, 0 -2, -1 -3 का स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा सॉल्व करके 7 -1, 6, 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 68, तो 20 + 36 √56। √56 को हम 2√15 भी लिखते हैं, है ना। इसी तरह से ए सी निकालेंगे, ए सी क्या आएगा हमारा देखते हैं, ए सी को हम सॉल्व करेंगे 7 -2 का स्क्वायर पूरे का, है ना, 0 - 3 का स्क्वायर और -1 -5 का स्क्वायर, ये सॉल्व होगा, ये आएगा √126। √126 को हम लिख सकते हैं 3√। तो हम देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। √15, √14 प्लस 2√14 इज इक्वल टू 3√14 होता है ना। तो दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल है, इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर कोलीनियर एंड दिस इज प्रूफ्ड। हो गया सेकंड क्वेश्चन भी हमारे इसी तरह से। थर्ड करते हैं, थर्ड में फिर से हमारे तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, कहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है बताओ। तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस तब होता है जब दो डिस्टेंसेस का सम इक्वल हो, है ना। तो निकालते हैं फटाफट से, सबसे पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। बुक में हम अपने पॉइंट्स देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये आएगा 1 -0 का स्क्वायर 6 -7 का स्क्वायर प्लस -6 + 10 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √18। √18 को कैसे लिखते हैं, 3√2। अब अगला पॉइंट बी सी, बी सी पॉइंट को निकालते हैं, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 9 -6 का स्क्वायर प्लस -6 + 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इन दोनों का बचा 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 18। 9 + 9 18 होता है ना, तो आ जाएगा 3√2। सो अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, अब जाना चाहे तो करके भी देख सकते हैं थर्ड साइड के लिए। वैसे दो साइड इक्वल है, इफ टू साइड्स आर इक्वल तो दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप थर्ड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं,
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि थर्ड साइड को सॉल्व करके ये जो है ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, तब ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। पर जब आप सॉल्व करेंगे जो तीसरी साइड है वो ए बी और बी सी के इक्वल नहीं होगी, तो ये सिचुएशन बन जाएगी, दो साइड इक्वल है पर थर्ड नहीं है, है ना। तो इसका मतलब दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, इस तरह से लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का है, तीन पॉइंट दे रखे हैं, बताना है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है, जब वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को शो कर रहा हो। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पॉइंट्स निकालेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ए बी आएगा हमारा √18, बी सी आएगा हमारा √18 और ए सी भी हमारा √36 आएगा, है ना। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेंगे, यूनिट्स लगा देंगे सब में हम, है ना। अब देखने कैसे पाइथागोरस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना हमारी, वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। √36 सबसे बड़ी साइड है ना, तो उसको हम हाइपोटेनियस मानते हैं। हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस जो होती है वो कौन सी साइड होती है, इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड है, तभी तो इन दोनों के स्क्वायर का सम है ना वो, तो लॉन्गेस्ट ऑब्वियसली होगी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसमें पुट कर देंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर √36 का स्क्वायर इसका मतलब, और ए बी का स्क्वायर मतलब √18 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर भी √18 का स्क्वायर। तो स्क्वायर है इसलिए रूट कट जाएगा, तो 36 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 कितना होता है, 36 होता है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और ये आंसर हमारा हो रहा है प्रूफ्ड। थर्ड पार्ट का है, चार पॉइंट्स दे रखे हैं और पूछा है क्या ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कब होता है, पैरेललोग्राम हमारा कब होता है, पैरेललोग्राम हमारा तब होता है जब डायगनल्स जो होते हैं वो हमारे अनइक्वल होते हैं पर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सपोज एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1, 2 और 1, है ना। एक और डिस्टेंस ले लेते हैं बी, बी हमारा है 1, -2, 5। एक और ले लेते हैं हमारा कुछ सी पॉइंट, सी पॉइंट है हमारा 4, -7, 8 और ये हो जाएगा डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या है 2, -3, 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कौन सी दो साइड इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स कौन सी है, ए बी और डी सी। तो अगर ए बी इज इक्वल टू डी सी आती है और इसी तरह से ए डी और बी सी इक्वल आती है, अपोजिट साइड्स बोले है ना, और जो हमारे डायगनल्स हैं ए बी ए सी और बी डी ये अनइक्वल आते हैं, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सभी डिस्टेंसेस को निकालना पड़ेगा। तो जब हम सभी डिस्टेंसेस को निकालेंगे तो ए बी हमारा आएगा √36 यानी 6 यूनिट्स। इसी तरह से बी सी, बी सी हमारा आएगा √43 यूनिट्स, ए डी हमारा आएगा √43 यूनिट्स। दो साइड सेम लग रही है ना, अब यहाँ पे दो साइड सेम हो गई। ए सी हमारा आएगा √55, √155, है ना। इसी तरह से बी डी हमारा क्या आएगा, बी डी हमारा आएगा √3। और क्या बचा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए डी हो गया, एक पॉइंट हमारा और बचा है ए बी और सी डी बचा है, सी
सीधी हमारा जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा रूट 36 यानी 6 यूनिट्स। तो हमने हमें क्या कहा गया था, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट साइड क्या है, ए बी है और क्या है सी डी है, दोनों इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसी तरह से बी सी और ए डी भी इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना। और डायगनल्स ए सी और बी डी दोनों अनइक्वल हैं, डायगनल्स आर अनइक्वल। ऐसा कब होता है, जब पैरेललोग्राम होता है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस हमें यही प्रूव करना था यहाँ पे। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्वेशन बता दिए सेट ऑफ पॉइंट्स की जो कि इक्विडिस्टेंस होगा, उसका डिस्टेंस बराबर होगा दो पॉइंट्स से 1, 2, 3 और 3, 2, -1। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने टेंथ में भी किए थे कि हम कोई भी एक पॉइंट लेते थे, सपोज पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मानते थे एक्स वाई जेड, उसके दो पॉइंट्स और लेते थे, एक ए एक बी, और उनसे उसकी दूरी इक्वल होती, सही है, 1, 2, 3 और 3, 2, -1, ये इसके पॉइंट्स हैं। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। तो इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस मतलब ए पी और पी भी इक्वल होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना पी से वो इक्वल है, पी ए और पी भी इक्वल होंगे, है ना, पी ए और पी भी इक्वल होंगे। तो पी ए डिस्टेंस पे और पी बी डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए लगाते हैं, रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी बी के। पी बी का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर एंड जेड प्लस वन का स्क्वायर, सही है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब सबसे मेन जड़ है रूट हटा, रूट कैसे हटाएंगे, बाय स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग की तो रूट हट गए, रूट हट गए हमारे, ये लो रूट हट गए, सही है। अब क्या करो, अब इनको सॉल्व करो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारा वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर टू इंटू ए बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस फोर वाई, टू इंटू टू फोर होता है ना। इसी तरह से z के लिए लिख दो, z स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स जेड, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये पूरा हमारा होगा इक्वल x स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस टू जेड। अब देखो कट क्या रहा है, x स्क्वायर कट जाएंगे इस तरफ जाके, y स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस फोर वाई से माइनस फोर वाई कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, ये सब तो हमारा कट चुका है। अब जो जो नहीं कटा उनको लिखते हैं। तो ये हमारा बचा है टेन माइनस टू एक्स माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू टेन माइनस सिक्स एक्स प्लस टू जेड, ये सब बच गया, ये जो सब कुछ था ये प्लस कर लिया और ये बच गया, जो कट रहा था काट दिया, जो प्लस हो रहा था प्लस कर दिया, अब जो बचा कुचा है उसको लिख दिया। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन हमारी बनती है, हम सबको जो भी बचता है ना उसको एक साइड ले लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं जीरो। तो इन सबको एक तरफ रख लो, जब एक तरफ रखेंगे कुछ इस तरह से माइनस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स जेड माइनस टू जेड, इस तरह टेन से तो टेन कट ही जाएगा ना, टेन माइनस टेन जीरो, ये सब बचा। अब सिक्स एक्स में माइनस टू एक्स को प्लस कर लो तो आ जाएगा फोर एक्स माइनस सिक्स जेड माइनस टू जेड माइनस एट जेड, ये हमारी इक्वेशन बन सकती है। अगर इसे आगे भी सॉल्व करना है तो टू को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो,
इस तरह से हमारे फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी था। फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि दो पॉइंट्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है ना एक कॉमन पॉइंट पी से, उन दोनों के डिस्टेंसेस का सम 10 के इक्वल है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, डायग्राम बना के समझते हैं। कोई एक पॉइंट पी है, उसका ए और बी से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम 10 है। यानी पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 10 है, सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। ए के पॉइंट्स लिख लेते हैं, बी के, ए के पॉइंट्स है 400 और बी के पॉइंट है -400, सही है। तो पी ए के पॉइंट्स के लिए लगाते हैं, याद रहेगा एक्स -4 का स्क्वायर प्लस वाई -0 का स्क्वायर प्लस जेड -0 का स्क्वायर और पूरे पे रूट, प्लस पी बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स +4 का स्क्वायर प्लस वाई -0 का स्क्वायर प्लस जेड -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, सही है। अब इस पूरे को ना इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। एक्स -4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 -√x +4y -0 प्लस जेड -0। अब सबसे पहले हटाने रूट, स्क्वायर कर दो इसका, इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करके आएगा एक्स -4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पर ये क्या बन गया, ए, इसको ए और ये बन गया बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स +4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, सही है। और तीसरा क्या होगा, -2xy, 2ab जिसको बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 × 10 क्या होगा 20 × b, b लिख देंगे x² प्लस 16 प्लस 8x प्लस y² प्लस z², x प्लस 4² को हमने खोल के लिख दिया और y² और z². कट क्या रहा है, ये दोनों कट जाएंगे ना, तो इनको काट दिया, अब ये कट गए। और अब इसको भी खोल लेंगे, एक्स -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस 16 -8x इज इक्वल टू 100। इसको भी सॉल्व कर लेंगे खोल कर, x² प्लस 16 प्लस 8x -20 √x² प्लस 16 प्लस 8x प्लस y² प्लस z², ये x से x कट जाएगा। अब इस 100 को इधर ले आएंगे, सही है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे पॉइंट्स, इन दोनों को इधर लाकर हो जाएंगे हमारे -16x -100। और इधर क्या बच गया, इधर ये बच गया और इसका माइनस का साइन बच गया, है ना। इस तरह से अब फिर से इसमें से 4 को कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लिया इस तरह से, और फिर ये 4 कट जाएगा, है ना, ये 4 हमारा कट जाएगा यहाँ पे। तो इसको काट दो और फिर से पूरे का स्क्वायर कर दो, 4 से 4 कटा बाय स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे फिर से, स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर से इस पूरे पे होल स्क्वायर लग जाएगा। और इसका होल स्क्वायर सॉल्व करके आएगा 16x² प्लस 625 प्लस 200x, और इस तरफ क्या आएगा x² प्लस 16 प्लस 8x प्लस y² प्लस z², ये आ जाएगा ना हमारी, ये आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे सॉल्व, और इधर इसके साथ 25 भी आ जाएगा,
25 आ जाएगा पूरे से मल्टीप्लाई होकर, है ना। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 16x² प्लस 625x प्लस 200x, और इन सबको 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे तो आ जाएगा माइनस 400 प्लस 25x² माइनस 200x माइनस 25y² और माइनस 25z². अब जो भी कट रहा है उसे काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारी सॉल्व करके एक इक्वेशन आ गई, ये है ना। जितने भी हमारे ये थे, जितने भी माइनस 400 625 इन सबको प्लस कर लिया और बाकी जो कट रहा था उससे काट दिया, और इसके बाद हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 12.2। अगली वीडियो में हम मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।